Disclaimer: I don't promote any brand, Chinese or non-Chinese. It's my duty to guide which phone is good at what price. Hey guys, good morning. कैसे आप मेरे को comment section में ज़रूर सब बताइए और ये दिन की second video है. और इसको डालने का मुद्दा ये है कि रियल मी का एक्स थ्री और एक्स थ्री सुपर जूम जो है वो लॉन्च हो चुके हैं अब मैंने टाइटल में वैसे वर्सेस करके लिखा है कि क्योंकि यार यहाँ पर हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि आपको इन दो फोन्स में से कौन सा लेना है वैसे दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं पर यहाँ पे एक दो छोटे छोटे फर्क है और यहाँ पे प्राइस गैप इससे बढ़ जाता है अब आपका जो रियल मी एक्स थ्री लॉन्च हुआ है उसका जो बेस वेरियंट है वो पच्चीस हज़ार से शुरू हो रहा है और जो हमारा एक्स थ्री प्रो है उसका बेस वेरियंट ट्वेंटी एट थाउजेंड से शुरू हो रहा है

अच्छा ही रहेगा है ना तो यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ मैं डिज़ाइन के बारे में डिज़ाइन यहाँ पे ये दोनों फ़ोनस हैं रियल मी एक्स फिफ्टी एक्स फिफ्टी प्रो जैसे दिख रहे हैं ज़्यादा फर्क नहीं है पंच होल्स हैं सामने की साइड पे डूल वाले और बैक साइड पे वो प्रीमियम क्लास देखने को मिल जाता है बट बैक साइड से वही मेरी पुरानी शिकायत रहेगी डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं है पीछे से वही जैसे रियल मी के फोन्स आते हैं लेफ्ट साइड पर चार कैमरास बाकी वही पैटर्न आ जाएंगे तो प्रीमियम है बट यहाँ पे डिजाइन में कोई फर्क नहीं डाला गया थोड़ी सी मेरे को इस चीज से कंप्लेंट हमेशा रहती है थोड़ा डिजाइन को चेंज कर लो यार पता नहीं कब करेंगे तो यहाँ पे बाकी अगर देखा जाए अगर आप यहाँ पे प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करो तो हाँ वो तो आपको मिल जाएगा बाकी यार इस फोन के अंदर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोनों ही फोन के अंदर आईपीएस एलसीडी पैनल लगे हैं जी हाँ पच्चीस में अट्ठाईस में हमें एलसीडी पैनल मिल रहे हैं वन ट्वेंटी की डिस्प्ले है यहाँ पर हमें बट uh, एक चीज़ देखिए एक्स टू प्रो में हमें नाइन्टी हर्ट्स मिला था एमोलेट तो वहां से थोड़ा सा डाउनग्रेड ही है बट यहाँ पे आई पी एस एल सी डी वन ट्वेंटी हर्ट चलो रिफ्रेश रेट ज्यादा है बट यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस कम रहे इस वजह से इन्होंने ऐसा किया कि पच्चीस हज़ार तक आएगा तो थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट भी बनेगा बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एमोलेड होता तो ज्यादा मज़ा आ जाता है नाइन्टी हर्ट्स के साथ वन ट्वेंटी हर्ट्स ये जो लगाया है पंचोल को कहीं कही ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक्स फिफ्टी जो चाइना में लॉन्च हुआ था वो आल आउट आगे यहाँ पे लाल दिया गया तो ये वो वाली डिस्प्ले लग रही है मेरे को एमोलेट थोड़ा मज़ा आता है कि नहीं बाकी आप कमेंट में बताओ मेरे को 120 ट्वेंटी हर्ट्स आई आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही है तो यहाँ पे ये दोनों ही फोन्स में आपको ये सेम मिलेगा पॉप यहाँ पे सॉरी कटआउट्स मिल जाएंगे पंच होल के दोनों फोन्स के अंदर मिनिमल बेजल्स हैं आपको फ्रंट साइड अच्छी मिलेगी अब यहाँ पे बात कर लूँ परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कट करने के लिए कि आपको प्राइस थोड़ा सा कब यहाँ पे ज्यादा ना जाए तो स्नैप 865 का यूज नहीं किया गया है हमें ऑलरेडी पता था इन दोनों फोन्स में स्नैपड्रगन 855 प्लस देखने को मिलेंगे बट अगर प्राइस को देखा जाए कंसिडर किया जाए पच्चीस हजार ढाई हजार में एट फिफ्टी फाइव प्लस कमाल की डील है और अभी हमने रिसेंटली के ट्वेंटी प्रो या ओपो रेनो को हमने यहाँ पर बोला था कि फोन बड़े अच्छे हैं तो वो फोन भी यार 855 के साथ है ये फ़ोन आपको 855 प्लस मिल रहा है काफ़ी अच्छे प्रोसेसर आपको पता ही है पब्जी वब्जी जनरल यूजेज मक्खन चलेंगे तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया रहने वाली है और यहां पर मैं बिल्कुल भी कम्प्लेट नहीं कर रहा प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर बहुत सही है अब यहां पर ना डिस्प्ले हो गई परफॉर्मेंस हो गई यहां पर गोरला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन लगी हुई है यह भी एक अच्छी बात है बात करते हैं कैमराज की यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ा डिफरेंस मिलेगा ना X3 और X3 सुपर जूम में वो आपको फर्क देखने को मिलेगा कैमरास के अंदर इवन की सेल्फीज में भी तो यहाँ पे वो डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले बात करूंगा X3 थ्री सुपर जूम की जो कि मेनली कैमरा उसका सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है और 3000 गैप उसमें डाल देता है यहाँ पे सबसे पहले 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहां पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइट सेंसर देखने को मिल जाएगा एक आठ मेगा का यहाँ पे पेरीस्कोप कैमरा मिल जाएगा जहां पे फाइव की ऑप्टिकल जूम है इस कैमरे में आपको ओ सेंसर सॉरी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन भी देखने को मिल रही है एक्स जूम में ये एक अच्छी बात है अब ये जो मैंने 5x की जूम बताई थी आपको यहाँ पर 60x की हाइब्रिड जूम भी देखने को मिल रही है यानी 5x तक ऑप्टिकल और 60x तक आप डिजिटली जा सकते हो और बहुत ज़्यादा दूर तक आप यहाँ पे लूजलेस ही रहोगे ज़्यादा क्वालिटी नहीं कम होती और ओ है डिवाइस में जिसके कारण आप जूम करते भी हो तो यहाँ पर इमेज जो है वो क्रिस्प खींची जाएगी ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि स्टेबलाइजेशन के कारण हम कई बार जूम करें और उसमें ओ ए एस ना होना तो फोटो हिल जाती है ओ होने के कारण जूम करने के बाद भी फोटो जो है वो अच्छी आएगी तो यहाँ पर एक अच्छी चीज है सिक्सटी एक्स की हमें हाइब्रिड जूम मिल रही है बाकी यहाँ पर टू मेगा पिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है मैक्रो कैमरा टू मेगा पिक्सल का डाला है इसकी ज़रूरत नहीं थी अल्ट्रा वाइड में इसको लगा देते हैं गेमे की है चलो क्वाड कैमरा बताने के लिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेल्फीज़ की तो बत्तीस मेगा पिक्सल का मेन सेंसर और एक आठ मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाएगा ये मेरे को अच्छा लगा कि डेप्थ नहीं लगाया सबसे बढ़िया चीज़ उसके बाद X3 के कैमरास की अगर बात करूं सेम 64 फोर मेगा का क्वाड कैमरा है बट यहाँ पर जो आपको आ, मिल जाता है जूम वाला कैमरा जो टेलीफोटोलेंस मिलता है इसमें पेरिस्कोपिक नहीं है इसमें टेलीस्कोपिक है इसमें आपको 2x की ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगी 12 मेगापिक्सल पिक्सल तो गाइज यहाँ पे दोनों चीज़ फोन्स में मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी कि इन्होंने फालतू में डेप्थ कैमरा नहीं लगाया है इन्होंने टेलीफोटो और पेरिस्कोप कैमरा लगाया है यानी कि फंक्शनैलिटी मिल रही है हमें तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी की तो रियल मी ने तो वो डेप्थ मैक्रो पागल वाली बात लगती है और इसके सेल्फीज़ जो है वो 16 मेगापिक्सल का मेन है और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है तो सेल्फीज़ दोनों में अच्छी रहेंगी एक्स थ्री सुपरसूम में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहेंगी बैटरी के बारे में बात करूं 4200 एमएच की बैटरी दोनों में है 30 वोट्स का यहां पे चार्जर है चार्जर डिसेंट बढ़िया 30 वॉट बहुत अच्छे चार्ज कर देंगे 4200 टू तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और तो टेंशन की बात नहीं है प्राइसिंग जैसे कि मैंने बताया X2 में आपको सिक्स जी बी वन ट्वेंटी बेस में मिलेगा जो कि आपको पच्चीस में मिलेगा बहुत डिसेंट है यार और साथ ही में जूम के अंदर सुपर जूम में आठ जी बी और एक सौ अठाईस जीबी तक मिल जाएगा अट्ठाईस हज़ार रुपये में बाकी इनके हाइर वेरियट्स तो है ही हैं और मेरे को नहीं लगता उनको खरीदने की जरूरत भी है तो यहां पर किसके लिए कौन सा बना है देखो यार पहले तो मेरे को लगता है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो रहेगा वो पच्चीस हज़ार में वही फ़ोन है एक्स थ्री पर अगर आपको वो बहुत ज़्यादा आपको एक अंदर से ला रहा है कि यार सेल्फीज भी बेटर है कैमरा में वो हमें पेरिस्कोपिक मिल जाएगा सिक्सटी एक्स तक अगर वो आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ना यूज़ करने का फिर ही आप X3 थ्री सुपर जूम के साथ जाइएगा मेरे को नहीं लगता कि 5X की इतनी ज़रूरत है हमें रूटीन की लाइफ में बट अगर आपको लग रहा है आपको चाहिए तो आप लोग नहीं तो मेरे हिसाब से 25,000 एक एक रह, रहेगा दोनों में एक्स यार सीधी बात है Z किस प्राइस पे लाता है और इसको कैसा कंपटीशन मिलता है मेरे को आप नीचे कमेंट में बता दो आपको दोनों फोन्स में से कौन सा ज्यादा बढ़िया लगा है मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक अपना अपने